फ्रेंड कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं रिव्यू देने वाली हूँ आर्टिस्टिक ट्रांसल्यूशन पाउडर का। तो मैं आज आर्टिस्टिक का जो मेकअप किट है थोड़ा सा ही है, तो मैं उसको बारे में थोड़ी सी रिव्यू दूँगी और ये किस स्किन टोन में किस पे जाएगा मैं ये बताऊंगी। तो मेरा यहाँ पर आर्टिस्टिक का सबसे पहले जो बता दूँ कि ये सभी सोचते हैं कि एक्सपेंसिव है, ये अच्छा होगा या नहीं, इसलिए कोई इसको ना बाय नहीं करना चाहते। लेकिन मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसा एक पफ आएगा खोलने के बाद और यहाँ पर थोड़ी सी होल लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये निकलेगा और आपको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे 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 आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके अंडर आई की प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छे से वो भी सॉल्व करेगा। लेकिन 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 इसमें क्या है, इसमें एक शिमरी इफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है और मैं इसको अगर अच्छे से कर लूँ हाँ तो ये ना थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट देता है। यानी अगर आप ग्लॉजी लुक चाहते हो, देख सकते हो दोनों का डिफरेंस, तो ये एक शिमरी इफेक्ट देगा। अगर आप ग्लॉजी लुक चाहते हो तो मैं कहूँगी आप ये ट्रांसल्यूशन वाला पाउडर यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा ट्रांसल्यूशन पाउडर है। मैं यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। तो मेरा शेड यहाँ पर लाइट है और अगर आपका स्किन टोन आप समझेंगे, अगर आप डार्क टू मीडियम कम्प्लेक्शन है तो आप जो मीडियम जो ट्रांसल्यूशन पाउडर है आप उसे लीजिए, अगर थोड़ा सा फेयर कम्प्लेक्शन हो गया तो आप लाइट को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं रिव्यू दूंगी इस कॉम्पैक्ट पाउडर का, जो है मेरा यहाँ पर शेड है इस कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो मेरे यहाँ पर शेड है लाइट, मेरा यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लाइट शेड में है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वही आर्टिस्टिक के बाद जैसे हैं कि अगर आपकी कम्प्लेक्शन डार्क टू मीडियम है तो आप मीडियम लीजिए, वरना आप लाइट ले सकते हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अगर आप लाइट भी अगर आप लाइट भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छे आपके स्किन के साथ ये बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए अगर मैं यहाँ पर दे रही हूँ ना, ये क्या करता है, ये बहुत अच्छे अपने स्किन में फिट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारे मेकअप कर लिया है, जब आप लगाएंगे तब ऐसा लगेगा, लेकिन सिर्फ 5 और 10 मिनट में ये स्किन में सेट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। अगर आप एक स्किन टोन अपनी स्किन टोन की एक हायर लेना चाहते हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कीजिए, ये अच्छे से हेल्प करते हैं हमारे स्किन टोन को अच्छा रखने के लिए, मतलब ठीक ठाक एकदम मैनेजेबल रखने के लिए, मतलब कि पसीना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो मैं कहूँगी कि आप एटीट्यूड की जो सनस्क्रीन है इसके साथ आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर पफ कीजिए। और कोई भी पसंदीदा मेरे यहाँ पर ट्रैवलिंग लिपस्टिक्स है, सो आप कोई भी पसंदीदा लिपस्टिक यूज़ कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप इस एग्जैक्ट फिट, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा फाउंडेशन है। जिनको टैनिंग का प्रॉब्लम है मैं कहूँगी मस्ट यूज़ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज़ करने में आपका टैन का प्रॉब्लम चला जाएगा, क्योंकि टैन होता नहीं है स्किन। उसके बाद आप अगर शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, तो इसको आपको बहुत अच्छे कवरेज मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से स्किन लगेगा कि आप ये एग्जैक्ट फिट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये ग्लॉजीनेस देता है लेकिन लगता है ये आप ही का स्किन है। मुझे मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो लगता है ना मेकअप करते हैं, कोई मेकअप करता है तो, लेकिन आपको अगर आप एग्जैक्ट फिट यूज़ करते हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको मेकअप किया हुआ, न्यूड लुक आ जाएगा। अगर आप वैसा लुक पसंद करते हो तो ये यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए और मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट। ये मेकअप की जो किट है ये बहुत ही सिंपल किट है, कोई भी इसे परचेज कर सकता है, लेकिन ये आपकी फुल कवरेज देगा।
थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जो उत्साह है वो बरकरार रहे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।